पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में बस दो ही दिन बाकी हैं। उससे पहले कई सारे एग्जिट पोल आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी जबरदस्त जनादेश मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर होने की संभावना जताई गई है। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस को दोनों राज्यों में बीजेपी से थोड़ी सी बढ़त हासिल है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति यानी BRS मुश्किल में दिखाई दे रही है। वहीं चार एग्जिट पोल बताते हैं कि कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं आपको बता दें कि ABP सी वोटर का भी एग्जिट पोल निकल कर आ चुका है, जिसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी की 88 से 112 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस की 113 से 137 सीटें हैं, SP की 0 और अन्य की 2 से 8 सीटें आ रही हैं। वहीं राजस्थान में कांग्रेस की 71 से 91 और बीजेपी की 94 से 114, BSP की 0 और अन्य की 9 से 19 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस की 41 से 53 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं, भाजपा की 36 से 48 और JCC की 0, वहीं अन्य की 0 से 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यही हम बात करें तो तेलंगाना की, तो कांग्रेस को तेलंगाना में तो 49 से 65 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं BRS को 38 से 54 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, AMIM को 5 से 9 और BJP को 5 से 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं मिजोरम में MNF को 15 से 21 और JPM को 12 से 18 और कांग्रेस को 2 से 8 और वहीं अन्य को 0 से 5 सीटें निकलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि इंडिया टुडे का भी एग्जिट पोल सामने आ चुका है। वहीं इंडिया टुडे के मुताबिक मध्य प्रदेश में BJP को 140 से 162 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस को 68 से 90 और अन्य को 0 से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 40 से 50, BJP को 36 से 46, वहीं अन्य को 1 से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यही हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कांग्रेस को 86 से 106 सीटें, BJP को 80 से 100 और अन्य को 9 से 18 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं तेलंगाना में BRS को 48 से 98 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस को 49 से 56 और BJP को 5 से 10 सीटें ही मिल रही हैं। वहीं अन्य को 6 से 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं हम बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में MNF को 3 से 7 और कांग्रेस को 2 से 4, JPM को 28 से 35 सीटें और BJP को 0 से 2, वहीं अन्य को केवल 0 सीट ही मिलती हुई नजर आ रही है।